जब भी कोई मोटर चालू करना हो मेंटेनेंस मोड में हम चालू कर सकते हैं। एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र, और स्वागत है दोस्तों डिंपल आप लोग के चैनल में। फिलहाल दोस्तों इस टाइम प्लांट पे हूँ, और प्लांट से पेज का माल भरेंगे, जो कि पेज के लिए पीसी का ही माल भरते हैं। उसमें 10 चलाते हैं, 6 चलाते हैं, 10 चलाते हैं, और बिटवीन 5% चलाते हैं दोस्तों। ये है 10 mm दोस्तों, जो इसके अंदर 6 mm भी है, और ये है रिवर बोल्डर का स्टोन डस्ट, जो इसको हम बीसी और डीबीएम दोनों में यूज करते हैं। आज प्लांट चलाना है तो उसके लिए बिटवीन हीटिंग भी करना है, और टैंक के अंदर ज़्यादा बिटवीन नहीं है, 2 टन करीब बिटवीन है दोस्तों। 1 घंटा चलाएंगे तो बिटवीन गर्म हो जाएगा। इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल लगा है दोस्तों वो माइनस में शो कर रहा है। इसी थर्मोकपल की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल में माइनस में शो हो रहा है दोस्तों। इसका जो रेड तार लगा है ये हिल गया है, और हिलने की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल में माइनस में शो हो रहा है। तो अभी हम टाइट कर देते हैं इसको, और टाइट करके चेक करते हैं दोस्तों कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। बाकी माइनस में आने का रीज़न यही है, तक माइनस में शो रहेगा बर्नर नहीं चल पाएगा हमारा। अभी लाइन गर्म हो गया दोस्तों। अचानक से स्क्रीन में फॉल्ट आ गया दोस्तों। इसका रीजन ये हो सकता है कि स्क्रीन की जो दो मोटर है वही तो उसका शॉर्ट सर्किट होता होगा तार, और इसको चेक करने के लिए सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे ऊपर में स्क्रीन लगा है, और उसको खोल कर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कि तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये ट्रिप मारा है, और नहीं तो किसी एक फेस में वोल्टेज कम मारा होगा। तो वाला तार थोड़ा सा कटा हुआ है, और वही बॉडी में अर्थ हो रहा था, इसके वजह से टिप मार रहा होगा दोस्तों। तो वहाँ पे टिप मारवा रहे हैं, फिर चला के चेक करेंगे कि मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। 151 नंबर की MCB है उसकी दोस्तों, तो यहाँ से उठा दे रहा हूँ। अभी स्क्रीन में फॉल्ट खत्म हो गया है, और इसको चेक करने के लिए हम मेंटेनेंस मोड में चालू कर रहे हैं। जब भी कोई मोटर चालू करना हो मेंटेनेंस मोड में हम चालू कर सकते हैं। और यहां से इसका पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर जाके एक्टिवेट होता है दोस्तों। और मेंटेनेंस मोड एक्टिवेट हो गया है, फिर चला के चेक करते हैं कि मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। एग्रीगेट को छानने का काम करता है, जो भी बीन फिटर से एग्रीगेट आता है इसके अंदर वायर मेस लग रहता है, वही वायर मेस छानने का काम करता है। और दो दो मोटर लगा हुआ है इसके ऊपर में। वहां से एग्रीगेट छानने के बाद तो हॉट बीन में स्टोरेज होता है, जो कि हॉट बीन में टोटल 5 सिलेंडर दिया हुआ है। इस साइड 2 सिलेंडर है, और दूसरे साइड 3 सिलेंडर दिया हुआ है। ये सिलेंडर है डस्ट का, और उस साइड भी एक डस्ट का, 2 सिलेंडर दिया हुआ टोटल। इसके अंदर एग्रीगेट वेट होता है, जो भी हम कंप्यूटर में डिजाइन मिक्स डालते हैं, चाहे बीसी हो चाहे डीबीएम, इसी के अंदर मिक्सर में आता है बाई वेट। और इसके अंदर मिक्सर में लगा है दोस्तों टिप्स लगा है, यही टिप्स मिक्स करने का काम करता है। इस साइड से बिटवीन आता है, और इस साइड से एग्रीगेट आता है, दोनों इसी के अंदर मिक्स होता है दोस्तों। इसी पाइपलाइन के द्वारा मिक्सर में जाता है बिटवीन दोस्तों। ये स्प्रे पंप है,
और ये जो आप लोग देख रहे हो एग्रीगेट डिस्चार्ज गेट है। एलडीओ की गाड़ी भी आ गई है क्योंकि टैंक में एलडीओ थोड़ा ही रह गया है, और कुछ देर चलता तो प्लांट बंद ही हो जाता एलडीओ के चलते। एलडीओ की जब भी गाड़ी आती है दोस्तों हम लोग जला के चेक करते हैं या फिंगर पर लेकर चेक करते हैं कहीं एलडीओ तो फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा है तो समझो कि इसके अंदर पानी मिक्स है। फट रहा है? नहीं फट रहा है, इसको जला के भी चेक करेंगे। अब सही रहेगा तो उस टैंक में खाली करवाएंगे। आपके सामने नहीं हो रहा है। इस तरह से एलडीओ का टेस्टिंग होता है दोस्तों। ये एलडीओ का फुल फॉर्म होता है लाइट डीजल ऑयल, और जब भी चेक करना हो टैंकर से थोड़ा दूरी पर करना चाहिए क्योंकि तेल बहुत तेज होता है, थोड़ा सा माचिस मारने पर तुरंत आग पकड़ लेता है दोस्तों। यहाँ से वाल खोलना पड़ता है दोस्तों, ये चार वाल दिया है चारों चैम्बर का। यहाँ से खोलने के बाद इस पाइप के द्वारा उस टैंक में जाता है, और वहाँ पर देखना पड़ता है कि एलडीओ आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, इस तरह से खाली होता है दोस्तों टैंक में। ये हमारा बॉयलर है जो हीटिंग का काम करता है, और ये एलडीओ टैंक इसी में खाली हो रहा है। आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।